हाय स्टूडेंट, जीआईटी को ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास वो सीखने वाले हैं कोरल डार ने कैसे वो विजिटिंग कार्ड तैयार करते हैं और तैयार करने की क्या स्टेप है। वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड नहीं देते हैं लोग अपना ठीक ठीक है। तो यह कैसे तैयार किए जाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे फाइल पे, और फाइल पे आने के बाद से आएंगे न्यू पे, और न्यू पे आने के बाद से विजिटिंग कार्ड को ही बिजनेस कार्ड बोलते हैं। विजिटिंग कार्ड को क्या बोलते हैं, बिजनेस कार्ड। तो यहाँ पे कस्टम जो साई दिया है इसमें हम ले लेंगे बिजनेस कार्ड, क्योंकि दिया है तो बिजनेस कार्ड ही लेना सबसे अच्छा रहेगा। बिजनेस कार्ड ठीक है। तो देखो बिजनेस कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है विड्थ में 3.5 और हाइट होता है 2.0, और कुछ नहीं करना, बस कर देना ओके। समझे, यह विजिटिंग कार्ड का क्या है, स्टैंडर्ड साइज है, और ये भी यूनिट क्या है, पेज क्या, इंचेज में गिरा आपको ना, इसमें है या इंचेज में। और हमको यहाँ पे विजिटिंग कार्ड अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे बनाना है, तो बहुत सारे तरीके से विजिटिंग कार्ड आते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं ठीक है। तो वो हम लोग सीखने वाले हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये बताइए, अब चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद से हमें बिजनेस कार्ड तैयार करना है, तो किस टाइप्स का तैयार करना अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। अब आ जाता हूँ मैं, डबल क्लिक करता हूँ इसी पे, एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ। बस ठीक है, और बहुत ज्यादा मोटा भी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बस इतना। और शिफ्ट के साथ क्या करते हैं, राइट क्लिक कर छोड़ दे, हो गया। और इसी के अंदर हम बाउंड्रीज लिखी चले तो अच्छा रहता है बनाने में, मैटर कैसे कहाँ कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, क्लियर है। अब इतना बनाने के बाद से हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइनिंग करने है, अब कैसे कहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे विजिटिंग कार्ड बनाना है। हाँ कर सकते हैं ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, मैं बना के दिखा रहा हूँ जिसे आपको अच्छे से और बेटर तरीके से समझना है। तो मैं आ जाता हूँ इसके लिए कहाँ पे, फ्री एंड पे, और फ्री एंड पे आने के बाद से मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे लास्ट में क्लिक किया, या मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और शिफ्ट के साथ मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, इसे यहां क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद फायदा क्या होगा, इसे यही फायदा होगा कि मैं स्मार्ट भी लेंगे, इसको अलग कर देंगे, हो गया। और उसके बाद से क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा और यहां से हटा दूंगा इसको, डिलीट बटन दबा के। हट गए बाबू, बोलो। फिर से क्लिक करूंगा, अब इस पे जो कलर आपको लेने हैं वो कलर दे देंगे, है व्हाइट लगाने हैं या ब्लैक लगाने हैं, कैसे लगाने हैं वो सेट कर देंगे यहाँ पर हम लोग। अब ये सेट करने बाद इसका कलर अलग देना हमको, बोलिए, या रीड लगाना है, रीड करना है, कैसे बनाना है, अपने हिसाब से सेट कर लेंगे इसको। चलो मैं पहले प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे कर देते जो कलर था वही, और इतना करने के बाद से मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यह वाला हिस्सा कलर करना है,
है। अब इतना बनाने के बाद से मैं क्या करूंगा यार, अब पूरे को सेलेक्ट मैंने किया ही किया, ट्रांसपेरेंसी लगाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, कुछ डिजाइनिंग क्रिएट हो जाएंगे इसे, यहां पर क्लिक करूंगा। गया बस बार क्लिक कर दूंगा और ऐसे मैंने क्रिएट कर दिया। और क्रिएट करने के बाद से अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर जो एंगल बनाना है अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो मैं कुछ और क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कुछ लाइनिंग देना चाहता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा मैं इसी पे। ठीक और रेक्टेंगल ड्रॉ करने बस इसको कलर कर दूंगा जो कलर फिट बैठे यहाँ पे। ठीक है बाबू, मतलब उसके बाद से फिर से बाहर क्लिक किया तो क्लिक करने बाद फिर से ट्रांसपेरेंसी लेंगे। ठीक हो गया, अब बाहर क्लिक करें। तो जितना मैं डिजाइनिंग था उस बनाना मैंने क्या कर लिया, बना दिया। अब बनाने के बाद से मेटल कैसे बनाने हैं आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब चलिए मैं बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, फिर से एक रेक्टेंगल और ले रहा हूँ, ये रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और क्लिक करने के बाद से दोनों को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इंटरसेक्ट उनको करना है, उसको बाहर कर देना है, या बस मैं इतना चाहता हूँ ये निकाल दूँ, ये वाला कैसे भी निकल जाए बाहर। तो यहाँ पे दिया है ट्रिम, ट्रिम कहीं लिख रहा है क्या, ट्रिम ना निकल गया यहाँ पे, यही निकालना था हमको, इसकी जरूरत हमको नहीं। सुन लो, समझ लो कैसे काम किया, क्लिक किया और एक ऐसे बॉक्स निकालना हमको, सेलेक्ट किया हमने बस। और दोनों को क्या करें, यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रिम कर देंगे, चल गया। चलिए एक तो हमने निकाल ही दिया है, इसी की मुझे जरूरत है, मैं सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा, बड़ा करूंगा अपने हिसाब से। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लिक करके और इसको मैं रोटेट कर दूं, फिर ऐसे। और रोटेट करने बाद क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा तो और साइज छोटा करूंगा और यहां पे मैं सेट करूंगा। और सेट करने बाद से मैंने क्या किया, इसका भी सेलेक्ट किया, इसको कोई कलर दे दूंगा जो भी देना है, फिर इसी को क्लिक करूंगा, प्लस दबाऊंगा और यहाँ पे एक और बन गया, फिर से क्लिक कर देंगे। इसका रोटेट करना है यहां से, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, यहां से इसको यहां पे सेट किया और इसको दे दिया। और देने के बाद से ध्यान दे रहा आप लोग, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना लोगो इंसर्ट कराऊं, कहाँ पे, यहाँ पे कुछ मैटर हमको लिखना पड़े, लिख लेने दीजिए। यहाँ पे क्लिक किया, गायत्री या कैप ब्लॉक ऑन कर देता हूँ,
और इसको सेलेक्ट करके यहां पे आता हूं। और इसको सेलेक्ट करके होल्ड करूंगा। होल्ड करने के बाद से फिर से यहां पे लिखूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसको क्या करूंगा, यहां से सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा करूंगा और यहां पे लाके सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूंगा। आ गया। अब देखो अच्छे से दिखेगा, बस मैं जूम करूंगा ना, देखो जूम करके दिखा रहा हूं कैसे दिखेगा। देखो ऐसे बनेगा तो प्रिंट होकर आएगा। देखो दिख रहा है, चलो फिट कर देते पहले, जैसा था वैसा रहने देते, बाहर क्लिक करते। और यहां पे बनाने के बाद से यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद से कुछ और इंफॉर्मेशन हमको देने हैं। यहाँ पे हमको अपना कंपनी का लोगो लगाना है, क्या दबाएंगे, कंट्रोल आई, और उसके बाद से जहां पे लोगो रखे हो लोगो दिख रहा है कहीं, जब पड़ा हुआ है प्रेजेंट में वही दिखाना है तो टाइम लगेगा बनाने में, क्या मतलब है। तो लोगो बनाना बताएंगे तो बताएंगे आप क्या है जी। राइट क्लिक किया, सेव इमेज, लोगो आ जाऊंगा यहां पे, कंट्रोल आई, कहां पे डेस्कटॉप पे, ओके इंपोर्ट कर दूंगा। ला दिया ना यहां पे। अबे लगाने वास्ते थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लगाएंगे तब ये फिट बैठेगा, लगे कि हाँ ये इसी से रिलेटेड है। तो क्या करूंगा यार, क्लिक करूंगा ठीक है बाबू, बाहर क्लिक करो, क्लियर है। अगर मान लो और पूरा लाना है तो और शो करा, मतलब कैसे भी कर देना, लगे कहां इसी में से निकला होगा। बस आ गया, अभी लग रहा था हाँ, अब लग रहा है कहां इसी से ट्रांसपेरेंसी में निकाला। अब ये लिखने के बाद से, इतना बनाने के बाद से हमको क्या करना है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल हमारे देने हैं, अब डिटेल क्या देने हैं यहाँ से सुनना समझना। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, क्लिक करूंगा और लिखूंगा फाउंडर और इसको सेलेक्ट करूंगा। और कोई ऐसा टेक्स्ट लूंगा जो अच्छा लगे, फाउंडर डायरेक्टर। क्या करूंगा यहां से, कॉल एंड, मतलब एक तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान देना आप जैसे बनाओगे और अच्छा लगेगा। सेलेक्ट करके कलर कर दे, क्लिक या टेक्स्ट नहीं ले रहा तो दूसरा ले लो।
है बाबू, यह बनाने के बाद से क्लिक किया पीसीस में, टेक्स्ट पे क्लिक किया, क्लिक करके क्या लिखूंगा? मिस्टर श्रीवास्तव। हो गया। अब इसको अपने हिसाब से क्या करेंगे, छोटा करेंगे। और देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद से अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते तो यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते। बना दिया। अब ये बनाने के बाद से और भी हमको डिटेल कुछ देने हैं ना, क्या क्या डिटेल देते हैं हम लोग? एड्रेस, नंबर। अब यहाँ पे आने हैं और आने के बाद से क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने हैं और इसको कहाँ पे देना है आपकी मर्जी में। यही पे एंगल देना चाहते हैं यहाँ पे या यहाँ पे, जो आपको फिट बैठे, तो इधर देना नहीं है, बगल में देना है हमको। बस मैं सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने बाद से ध्यान देना यहाँ पे कंटेक्ट कंटेक्टर से, जो भी कंटेक्ट का हमारा जो सिंबल होता है उसको ला दूंगा और दिखाऊंगा तो और अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। और कहाँ पे चलो तरीका भी बता रहा हूँ, लोग कहाँ से बनाते हैं कैसे बनाते हैं। आ गया ये कंटेक्ट इमेजेस, लोगो इमेजेस पे क्लिक करिए। कौन सा वाला, ये वाला लगाना है, कौन सा वाला लगाना है, यही वाला लगाना है मान लो, ये वाला। चलो ये लगाना, राइट क्लिक करिए, सेव इमेज में आ जाइए। आने के बाद से क्या करिए, डाउनलोड करिए। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे और क्लिक करेंगे और दबाए कंट्रोल आई, डाउनलोड में आ जाएंगे। डाउनलोड किया नहीं दिख रहा है, डाउनलोड डेस्कटॉप कंट्रोल आई के बाद। अब देखो इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है ना, वाइट वाइट वाइट। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा और यहाँ सजेस्ट करते हैं। अब बैकग्राउंड हटाना, ये बैकग्राउंड हटेगा कैसे? ठीक है, इसके लिए हमको या तो फोटोशॉप पे रिमूव करना पड़ेगा, यह तो मैंने एक और पॉइंट बताया था, रिमूव बीजी बैकग्राउंड हटाने के लिए। कहां पे आ जाएंगे, क्लिक और लिखेंगे रिमूव बीजी, मतलब रिमूव बैकग्राउंड, क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने बाद से क्या करेंगे, अपलोड इमेज, यही वाला ओपन। देखो बैकग्राउंड हट जाएगा, आ गया ऐसा। अब यहां से डाउनलोड कर लेगा, डाउनलोड में जाएगा, बस यहाँ पे आएंगे कंट्रोल आई डाउनलोड, बस क्लिक। अब देखो लगाओ, क्लियर है? व्हाइट आ रहा था, आ रहा क्या? बोलो लगा लेंगे। और ऐसे बस कांटेक्ट नंबर हमने टाइप किया ही है, टेक्स्ट पे आएंगे और टेक्स्ट पे आने के बाद कालन, और कालन देने बाद वाइस। मान लो यही डिटेल ऐसे पूरा भर देंगे ना साइड रूट के बारे में, तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस इसी को हम प्लस करके डबल बना देते हैं यार। इससे आपको बस पता चलेगा जब बना लोगे तो कैसा आएगा। क्लिक प्लस प्लस क्या कर रहे हो?
ये डिटेल आप डालना में तरीका बता दिया, ठीक है। मैं आप डालना तो क्या डालेंगे यहाँ पे, अपने वेबसाइट के बारे में, और नीचे यहाँ पे दे देंगे आवर कोर्सेस जितने हैं यहाँ पे, हम लिख देंगे आवर कोर्सेस डीसी डीएफए या जो भी है हमारे। चलो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं डाला हूँ, अब थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं आप सेट कर दिए, और वैसे बनाना तुम्हारी मर्जी, क्लिक कर दो। अब क्लिक करने बाद से आप यहाँ पे टेक्स्ट पे आ जाओ, और भी डिटेल हमको देने हैं, ठीक है, अपने साइट के बारे में बताने हैं, ठीक है, वेबसाइट क्या है, तो देखो मैं लिखूंगा वेबसाइट, समझे, और कॉलन करूंगा मैं, और कॉलन करने बाद से लिखूंगा www.git education.edu, और यहाँ पे वेबसाइट दे देंगे तो छोटा कर देंगे थोड़ा सा, बाहर क्लिक कर देंगे, समाया। उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन देने हैं, मान लो ये नहीं बताना है, क्लिक करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा और नीचे करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम अपना जीमेल आईडी देना चाहते हैं, क्लिक करेंगे इसको, और इसको नीचे करना चाहते हैं, नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अब इसी को हम प्लस कर देते हैं, अब प्लस करके ऊपर लेके चले आते हैं आप, और हमको क्या देना है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और हमको यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, क्या है, सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे, क्लियर है। और इसको क्या करेंगे यहां से, जीमेल आईडी हमको परेशान करता है, सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देंगे, आ जाएगा। और यहाँ पे और भी जो डिटेल देना दे देंगे, मतलब बिजनेस कार्ड में खूब छपाइया नहीं होता है, थोड़ा बहुत, उसका नाम, कांटेक्ट नंबर, ठीक है, वेबसाइट, किस लिए वो विजिटिंग कार्ड बनवाया है। तो चलो अगर तुम चाह रहे हो कंप्यूटर संस्था, कंप्यूटर के दो चार इमेज लगा दे, या ऊपर नीचे कहीं लगा सकते हैं, या बगल में भी लगा सकते हैं, बोलो, बना सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। अभी से यहाँ पे आया और लिख दिया आवर कोर्सेस, कहाँ पे, समझे। और यहाँ पे आने वाले से क्या क्या है, जो भी हमारा कोर्स है यहाँ पे कामा करके टाइप करते जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कंप्यूटर संस्था है, उसका इमेज लगाना है, तो कंट्रोल आई कर देते हैं और पिक्चर में आ जाते हैं, ये लगाने को जो नहीं, स्टूडेंट से समझ जाएंगे, अगर दिखाना दुकानदार तो है नहीं ना, दो चार दुकान का फोटो वोटो लगाए, ठीक है, तो आप लोग देखिए कंप्यूटर पीसी या इमेज सेलेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं लगाना है और सेट कर देंगे, आ गया। अब मान लो थोड़ा सा कंप्यूटर लाना ही लाना है, आ जाओ आप लोग, क्लिक कर दो, लिख दो लैपटॉप इमेजेस, और बना ही रहे तो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल बना ले, क्लियर है ना। अब यही लगाना हमको, अब इसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक किया, सेव कर दिया, कहाँ जा रहा है, डेस्कटॉप, अरे क्या वाला चाहिए, राइट क्लिक, सेव इमेज, और उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा ना, फिर से वैसे आ जाएगा, फिर से रिमूव बीजी पे आ जाएंगे, अपलोड कर देंगे, और कौन सा वाला था, यही वाला है, डाउनलोड, हाँ, डाउनलोड, फिर से आ जाएंगे अपलोड, कौन सा वाला है, यहाँ पे है, फोटोशॉप से हो जाता, ये तुरंत करके दिखा दे रहा हूँ,
उसके बाद आ जाएंगे कहां पे, इसमें, और क्या दबाएं, कंट्रोल, और उसके बाद से डाउनलोड, क्लिक, इंसर्ट, इसे कंट्रोल आई, क्लिक, इंसर्ट, मान लो यही बना कर रख रहा है बीच में, आ गया, या यहाँ पे आ गया, बस इसको कहाँ रखना यहाँ बोलो, और बड़ा करना है तो और बड़ा कर देंगे इसको भी, बस क्लियर है, यही हमारा विजिटिंग कार्ड है, देखिए यही साइज है। अब देखो जो जूम कर रहे हैं ना, तो देखो ऐसे दिखेगा यार, प्रिंट होके आएगा, तो देखो प्रिंट करते हैं यहाँ ऐसे, प्रिंट कर आए, देखो समय बाबू, कोई दिक्कत है क्या? चलिए तो मैंने तरीका बता दिया, आइडियाज बता दिए, देखो जितना टूल पढ़ा है उसी से बनने वाला है, अब जो भी बनाओगे अपने हिसाब से बना सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर बना सकते हो, कैसे कहाँ पे रखना है, कैसे क्या नहीं रखना है। और भी थोड़ा सा देखो इसमें मैटर थोड़ा सा ज्यादा दिए ना, और इससे भी अगर प्रोफेशनल बनाना है, इससे भी प्रोफेशनल बनाना है, देखिए इसके लिए ऑप्शन दिए हैं,